हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं मोहित अग्रवाल, आज आपको क्लास 10 से ट्राइंगल्स चैप्टर की थ्योरम 6.5 का प्रूफ कराऊंगा, ठीक है? देखिए फ्रेंड्स, ये जो थ्योरम है, ये थ्योरम है साइड एंगल साइड थ्योरम, ठीक है? ये जो थ्योरम आज हम प्रूफ करेंगे, इसका नाम है साइड एंगल साइड थ्योरम। इससे पहले मैं एंगल 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 और साइड 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 दोनों जो थ्योरम है वो अपलोड कर चुका हूँ। अब ये साइड एंगल साइड, तो देखिए इसका स्टेटमेंट क्या कहता है। इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल, मतलब किसी एक ट्राइंगल का एक एंगल अगर दूसरे ट्राइंगल के एक एंगल के इक्वल है, करेस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल है, एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, और इन एंगल्स को इंक्लूड करने वाली साइड्स प्रोपोर्शनल है, मतलब उन साइड्स का रेशियो इक्वल है, प्रोपोर्शनल का मतलब साइड्स का रेशियो इक्वल है, देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो आपको प्रूव करना है कि वो दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे, क्लियर? अब मैं आपको इसमें बाय फिगर बताता हूँ इसका क्या मतलब। इसका मतलब है कि अगर एक एंगल दूसरे एंगल के इक्वल है, मान लीजिए इसमें एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, ठीक है? ये हमें गिवन है कि एक एंगल इक्वल है। अच्छा, इसमें हम कोई भी एंगल अपनी मर्जी से ले सकते हैं। आप एंगल बी को एंगल ई के ले सकते हो, एंगल सी को एंगल एफ के, ठीक है? कोई भी ले सकते हैं आप। मैंने एंगल ए को एंगल डी के इक्वल मान लिया क्योंकि उसने हमें वन एंगल एक एंगल दिया है, कोई सा भी ले लीजिए आप। अच्छा, बोल रहा है इस एंगल को इंक्लूड करने वाली साइड्स, इस एंगल को इंक्लूड कौन कर रही है? ए बी और ए सी, और इस वाले को डी ई और डी एफ। तो इनको इंक्लूड करने वाली साइड्स प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल मतलब इनके साइड्स का रेशियो इक्वल है, मतलब AV अपॉन DE इज इक्वल्स टू AC अपॉन DF, क्लियर? ये हमें इक्वल में गिवन है। ये आपको पता समझ में आ गया कि हमें क्या गिवन है और हमें क्या प्रूफ करना है। हमें गिवन एंगल इक्वल दिया है और साइड्स के रेशियो इक्वल दिए हैं, जबकि हमें इसे प्रूफ क्या करना है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ठीक? चलिए तो देखिए, सबसे पहले गिवन में हमें क्या दिया हुआ है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, और क्या गिवन है, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, ये हमें इक्वल दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स? अब उसके बाद और कुछ गिवन तो है नहीं। टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, हमें ये प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल डी ई एफ के क्या है, सिमिलर होगा, सही है? अच्छा, कंस्ट्रक्शन क्या होगा? कंस्ट्रक्शन देखिए फ्रेंड्स, हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को आप देख पा रहे हैं, जैसा कि मैंने एक छोटा ट्राइंगल लिया है एक बड़ा ट्राइंगल लिया है, तो इसको हमें बताना पड़ेगा। Let us take the triangle ABC and triangle DEF such that इस तरीके से लिया है, किस तरीके से, कि AB upon DE का जो रेशियो है और AC upon DF का जो रेशियो है वो less than 1 होगा। मतलब हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को ऐसे लिया है कि ए बी साइड छोटी है ना, तो देखो अगर आप छोटी साइड को बड़ी साइड से डिवाइड करोगे तो उसका रेशियो हमेशा 1 के कम आएगा। कोई भी चीज लीजिए आप, साइड को छोड़िए, अगर आप कोई छोटी वैल्यू को 3 को 5 से डिवाइड कीजिए तो हमेशा रेशियो 1 से कम आएगा, 4 को 5 से डिवाइड करो रेशियो कम आएगा। तो जब छोटी साइड को मैं बड़ी साइड से डिवाइड करूंगा तो इसका रेशियो कैसा आएगा, 1 से कम आएगा। यानी कि हमने इन ट्राइंगल्स को इस तरीके से लिया है कि इन साइड्स का जो रेशियो है AB अपॉन DE का और AC अपॉन DF का, ये 1 से कम है, ठीक है फ्रेंड्स? इतना समझ में आ रहा है? अच्छा, और क्या लिया हुआ है? अब देखिए इसमें मैं क्या करूंगा, यहां से एक लाइन कट करूंगा, सही है? ये मैंने डाल दिया P और ये Q। देखिए मैंने क्या किया है कंस्ट्रक्शन में, जब ये छोटा ट्राइंगल है ये बड़ा ट्राइंगल है, तो मैंने इसमें से DP को कट किया है AB के इक्वल और DQ को कट किया है AC के इक्वल, ठीक है? और उसके बाद PQ को हमने ज्वाइन कर दिया। मैंने ये जो DP कट की है ना P पॉइंट से, वो मैंने AB के इक्वल कट की है और DQ को AC के, ठीक? चलिए तो यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन में जाएगा, कट
dp is equals to ab and dq is equals to ac. हमने dp को ab के इक्वल बनाया है और dq को ac के इक्वल कट किया है. फिर क्या किया है, join pq और हमने उसके बाद pq को join कर दिया. सही है? तो ये था फ्रेंड्स इसमें कंस्ट्रक्शन में, इतना पार्ट कंस्ट्रक्शन में जाएगा. अब आप ये देखिए, ये सारा पार्ट लिख दिया, गिवन लिख दिया, टू प्रूव लिख दिया, कंस्ट्रक्शन लिख दिया. अब मैं सिर्फ करने वाला हूं, मैंने आपसे पहले भी कहा था आप एक कॉपी लेके बैठा कीजिए, एक नोट डाउन कर लिया कीजिए जो मैं लिखता हूं, क्योंकि मैं यहां सिर्फ कर दूंगा, फिर आपके सामने से चीजें अगर नहीं होंगी तो आपको समझ में कम आएगा. तो अब आप नोट डाउन कर लीजिएगा इन सारी चीजों को कॉपी में, वीडियो को पॉज करके, और हम आगे बढ़ते हैं प्रूफ की तरफ. देखिए अब मैं इसे तो रख कर देता हूं यहां पर. जैसा कि हमें अगर टारगेट हम लोग सेट करें तो हमें प्रूफ क्या करना है, ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर प्रूफ करनी है. और हम दो ट्राइंगल्स को किस प्रॉपर्टी से सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं, हम एंगल 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 से भी कर सकते हैं. क्यों? एंगल 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 प्रॉपर्टी हम पहले प्रूफ कर चुके हैं कि अगर दो ट्राइंगल्स में तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं करेस्पॉन्डिंग, तो वो ट्राइंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर. तो हम इसमें एंगल एंगल प्रॉपर्टी का ही यूज करेंगे, टारगेट हमारा यही रहेगा. क्यों करेंगे, हमें एंगल ए एंगल डी के इक्वल पहले दे रखा है, यानी कि एक एंगल तो दिया है ना, बस हमें दो एंगल और लानी है, एंगल बी को एंगल ई के और एंगल सी को एंगल एफ के इक्वल. और अगर मैं कर दूं कैसे भी, तो तीनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होंगे और दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे. तो यही हमें टारगेट रखना है. ठीक है, तो चलिए प्रूफ देखिए. प्रूफ में देखिए, हम इन दोनों ट्राइंगल्स में सबसे पहले ए बी सी में और डी पी क्यू में, ए बी सी और डी पी क्यू में कुछ कॉन्ग्रुएंसी लगाने की कोशिश करेंगे, और लग भी जाएगी क्योंकि वहां पे तीन फैक्टर इक्वल है. ठीक, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी पी क्यू, हमने किस किस में लिया, ए बी सी में लिया और डी पी क्यू में लिया. क्या क्या इक्वल है इसमें हमारे पास, देखिए ए बी डी पी के इक्वल है. कैसे, बाय कंस्ट्रक्शन. ए बी जो है वो मैंने अभी अभी डी पी के इक्वल कट किया था कंस्ट्रक्शन में, तो इक्वल होगा. और एंगल किसके इक्वल है, ए एंगल, ए एंगल डी के इक्वल है. कहां से आया, गिवन आप अपनी कॉपी में देख सकते हैं, आपने नोट डाउन किया होगा. तो एंगल ए एंगल डी के इक्वल हमने गिवन में ही तो लिया था, हमें दिया है. और क्या इक्वल है, ए सी इक्वल है डी क्यू के, ए सी इज इक्वल टू डी क्यू. कैसे, बाय कंस्ट्रक्शन. ए सी डी क्यू के इसलिए इक्वल है, हमने ये भी ए सी जो है डी क्यू के इक्वल कट की थी कंस्ट्रक्शन में. ठीक है फ्रेंड्स, तो कोई परेशानी. अब देखो यहाँ से कौन से फैक्टर लग गए, एक साइड मिली ए बी, फिर एक एंगल मिला और फिर एक साइड मिली. तो ट्राइंगल, देयर फोर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी पी क्यू बाय एस ए एस रूल. साइड एंगल साइड रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट. और अगर ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा और सी एंगल क्यू एंगल के. क्यों, बाय सीपीसीटी. देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको साइड एंगल साइड सीपीसीटी सब में दिक्कत आ रही है, तो ये नाइन्थ क्लास के कॉन्सेप्ट हैं. आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, नाइन्थ क्लास की ट्राइंगल्स में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी. बहुत डेप्थ में मैंने आराम से समझाए हैं, वहां से पहले आप इन्हें भी समझ सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, नाइन्थ क्लास की ट्राइंगल्स. चलिए देखिए, एंगल बी एंगल पी के इक्वल बाय सीपीसीटी, एंगल सी एंगल क्यू के इक्वल होगा बाय सीपीसीटी, मतलब करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. ठीक, तो मैं क्या लिख सकता हूं, सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी एंड सॉरी सी नहीं, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू, दोनों का रीजन क्या जाएगा, CPCT. सही है, CPCT से ये इक्वल होगा, एंगल बी एंगल पी के और एंगल 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 सी एंगल क्यू के. अब फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा इस रिजल्ट को, हम क्योंकि बाद में यूज करने वाले हैं. ठीक, चलिए यहां तक आपको सभी को समझ में आ गया, ये एंगल्स मैंने इक्वल करके रख लिए, लेकिन अब यहां तक ही हो पाएगा, और कुछ नहीं हो पाएगा. ठीक, तो देखिए अब क्या करना है, कैसे करनी है, आपने नोट कर लिया, वीडियो को पॉज कीजिए, नोट करिए. यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर दिए, तो एंगल बी एंगल पी के इक्वल और एंगल सी एंगल क्यू के इक्वल हो गया बाय सीपीसीटी. देखिए अब आगे, अब क्या है हमारे पास, यहाँ पर ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी लगा के हमने दो एंगल्स इक्वल तो कर लिए,
लेकिन अब आप कहेंगे हमारा टारगेट तो ये नहीं था, हमारा टारगेट एंगल बी को किसके इक्वल करना था, हमारा टारगेट एंगल बी को ई के करना था, लेकिन आपने तो बी को पी के कर दिया और सी को एफ के करना था जो हमने सी को क्यू के कर दिया। अब कैसे होगा, कोई बात नहीं, देखिए हमारे पास फिर से हम गिवन से उठाएंगे ए वी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी क्यू, यही तो दिया, सॉरी डी क्यू नहीं है, ए वी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ गिवन। ध्यान से आप देख लीजिए गिवन में हमें यही कंडीशन तो दी थी कि ए वी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, यही दिया था, साइड्स के रेशियोज प्रोपोर्शनल है, गिवन में लिखा होगा आप देख लीजिएगा, सही है। अब देखिए यहां से हम ए बी की जगह किसे रिप्लेस कर सकते हैं, डी पी को, क्यों, क्योंकि मैंने ए बी को डी पी के इक्वल बनाया था बाय कंस्ट्रक्शन में, हमने ए बी को डी पी के कट किया था इक्वल, तो यहां पे क्या मैं ए बी को डी पी से रिप्लेस कर सकता हूं, बिल्कुल। और ऐसे ही मैंने ए सी को किसके इक्वल कट किया था, डी क्यू के, तो मैं यहां से इसे भी रिप्लेस कर दूंगा डी क्यू अपॉन डी एफ, कोई प्रॉब्लम, आप साइड में लिख सकते हैं सिंस डी पी इज इक्वल टू ए बी एंड डी क्यू इज इक्वल टू ए सी, लिख के बता दीजिए हमने क्यों रिप्लेस किया, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं एक दूसरे, ठीक। अब आप यहां से फ्रेंड्स देखेंगे कि किसी भी ट्राइंगल में, देखिए यहां पे डी पी अपॉन डी, डी पी अपॉन डी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ, आपने इसी चैप्टर में थेल्स थ्योरम और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम पढ़े होंगे, आपने कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या पढ़ी थी, किसी ट्राइंगल के अगर साइड्स के रेशियोज इक्वल हैं तो वो लाइन पैरेलल होती है थर्ड साइड के, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी या कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, याद आ रहा है। तो यहां पर इस ट्राइंगल में यही तो लग रहा है, देख लो इस ट्राइंगल में, किस ट्राइंगल में, डीईएफ ट्राइंगल में डी पी अपॉन डीई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ, यही तो आ रहा है। और अगर साइड्स के रेशियो इक्वल है तो पी क्यू क्या हो जाएगी, पी क्यू पैरेलल टू ई एफ, पी क्यू जो है वो ई एफ के पैरेलल हो जाएगी, कैसे, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी लिख लो या कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लिख लो, एक ही बात है, सही है। अच्छा भैया ये इसके पैरेलल हो गई, अब आप नाइन्थ क्लास पे फिर आ जाइए, अगर दो लाइंस पैरेलल होती थी जैसे पी क्यू ई एफ के पैरेलल और ये एक ट्रांसवर्सल है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल नहीं होगा बाय करेस्पॉन्डिंग एंगल, और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये भी बाय करेस्पॉन्डिंग एंगल, याद आ रहा है, नहीं आ रहा तो मैं बार बार बोल रहा हूँ आपसे, नाइन्थ क्लास के कॉन्सेप्ट पहले देखिएगा आप, तब आपको समझ में अच्छे से आएगा। अगर पी क्यू ई एफ के पैरेलल है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल करेस्पॉन्डिंग एंगल से और ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ई पैरेलल दिखा चुका हूँ, अब मैं क्या लिख सकता हूँ, सो एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एफ, सही है फ्रेंड्स, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई और एंगल क्यू एंगल एफ के इक्वल है, दोनों का रीजन देना पड़ेगा, मैं साइड में दोनों का एक साथ दे देता हूँ, क्या करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, सही है, ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं इसलिए इक्वल है। अब आ जाओ फिर से वहीं पर, अब देखिए फ्रेंड्स लेकिन एंगल पी तो अभी अभी मैंने एंगल बी के इक्वल प्रूफ किया था एंड एंगल क्यू को मैंने एंगल किसके सी के इक्वल प्रूफ किया था, याद करो अभी आपके पास पीछे लिखा होगा और किस में लिखा होगा, हमने जब इन्हें ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया था, मैंने यहां से तो रब कर दिया है, ट्राइंगल्स को मैंने अभी कॉन्ग्रुएंट किया था, कॉन्ग्रुएंट करने सीपीसीटी में क्या लगाया था, बी पी के इक्वल था सॉरी सी क्यू के इक्वल था, जो पी एंगल था वो बी के इक्वल था ये वाला, और सी एंगल किसके इक्वल था, क्यू एंगल के, यही तो किया था सीपीसीटी से, मैंने वही लिख लिया एंगल पी एंगल बी के इक्वल है और एंगल क्यू एंगल सी के इक्वल है, कहां से आया ये, प्रूव्ड अबव, जगह कम है इसलिए मैं नीचे रीजन लिख रहा हूं, आराम से आप सुन लीजिए, इन दोनों का रीजन था करेस्पॉन्डिंग एंगल और इन दोनों का रीजन क्या है, प्रूव्ड अबव, अरे भैया ऊपर अभी प्रूव कर तो दिया सीपीसीटी से इसीलिए, ठीक है। अब देखिए जब एंगल पी एंगल ई के इक्वल है और एंगल पी एंगल बी के इक्वल है, मतलब जब दोनों के एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस भी इक्वल होंगे, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देयरफोर
एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल बी एंगल ई के इक्वल हो गया और कौन किसके इक्वल हो गया, एंड देखो यहाँ से एंगल क्यू एंगल एफ के इक्वल है, एंगल क्यू एंगल सी के इक्वल है, तो दोनों के एल एच एस इक्वल है, तो ऐसे ही एंगल सी एंगल एफ के इक्वल हो गया। सही है, देख लो आराम से, क्यू एफ के इक्वल है, क्यू सी के इक्वल है, तो सी और एफ भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, आर एच एस भी इक्वल। अब टारगेट देख लो क्या सेट किया था, यही किया था, ए डी के इक्वल था पहले से गिविन, बी किसके इक्वल लाना था, ई के आ गया, और सी को किसके इक्वल लाना था, एफ के आ गया, सी एंगल एफ के इक्वल आ गया। तो आप क्या लिख सकते हैं, देखिए अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी पहले थोड़ा सा लैंग्वेज एक लाइन और लिखेंगे यहां से रब करके। अब क्या लिख सकते हैं आप इन्हें, एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, और सी एंगल एफ के इक्वल है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द टू ट्राइंगल्स आर इक्विएंगुलर, इक्विएंगुलर। इसका मतलब क्या होता है समझ लीजिए, इक्वी का मतलब इक्वल और एंगुलर का मतलब एंगल्स, यानी कि इन दो ट्राइंगल्स के जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स तीनों इक्वल हैं। जब किसी दो ट्राइंगल्स के तीनों करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं तो उन्हें हम इक्विएंगुलर कहते हैं। सही है, तो आप क्या लिखा, द टू ट्राइंगल्स आर इक्विएंगुलर, दोनों ट्राइंगल इक्विएंगुलर हैं, सो मैथमेटिकली लिख लीजिए, चलिए, सो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, अगर इक्विएंगुलर है यानी कि इनके तीनों करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हैं, तो बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी रूल दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे, यानी कि एंगल ए बी सी जो होगा वो ट्राइंगल डी ई एफ के क्या होगा, सिमिलर, ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल डी ई एफ के सिमिलर होगा। ठीक है, हेंस प्रूफ, ये था फ्रेंड्स इसका प्रूफ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी स्टेप मेरा इसमें समझ में नहीं आया तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। और यहाँ पे क्या हुआ, ये चीज आपको देख ही ली होगी, पैरेलल करने के बाद हमने इक्वल लिया करेस्पॉन्डिंग से, और ये वाले एंगल्स हमने प्रूफ डब पहले ही सीपीसीटी में कर दिए थे, तो हमने जब एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस भी इक्वल होते हैं, वो वाला कॉन्सेप्ट लगा के दोनों एंगल्स को इक्वल किया है। ठीक है, फिर भी आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा ताकि आप मेरे सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें आपको। थैंक यू।